नमस्कार डियर लवली स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर 3 चल रहा है संज्ञा। ओके, संज्ञा के बारे में मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, है ना। आप वैसे आप थर्ड क्लास में भी पढ़ चुके हैं, फोर्थ क्लास में भी पढ़ चुके हैं, बट अब हम इस क्लास में इसे डिटेल में पढ़ रहे हैं, है ना। कल हमने पढ़ा था संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है ना। संज्ञा के मैंने 5 प्रकार बताए थे आपको, 2 प्रकार एक्सप्लेन हो गए थे, ठीक है। नंबर 3 है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। ओके, क्या है नंबर 3 हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी धातु द्रव्य या पदार्थ का बोध कराते हैं वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं, ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम कहेंगे कि 1 लीटर दूध लाओ, है ना, तो ये क्या है, पदार्थ है कोई, है ना। दूध क्या है, कोई चीज है, द्रव्य है, तो यह द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अगर हम कहेंगे 1 प्याला चाय या 1 बाल्टी पानी, ये सब किसके अंतर्गत आएगा, द्रव्यवाचक के अंतर्गत आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। जो शब्द समूह या समुदाय को प्रकट करते हैं, ठीक है, वे क्या कहलाएंगे, समूहवाचक संज्ञा कहलाएंगे। जैसा कि नाम से स्पष्ट है ना, बहुत बड़ा कोई समूह है, कोई ग्रुप है ना। जैसे कि आप लोग क्लास में बैठे होते हैं, है ना, आप पूरे इतने जितने भी बच्चे हैं पूरी क्लास के, ये क्या है, एक समूह है। या अगर क्लास में इतने सारे बच्चे हैं, मान लो 40 बच्चे हैं, अगर हमने 20 बच्चे आपस में बांट दिए और 20 बच्चे आपस में बांट दिए, तो ये जो 20-20 का जो रेशियो है ना, ये क्या हो गया, समूह हो गया, ठीक है। वो जो 20 बच्चे, एक तरफ के जो 20 बच्चे हैं वो भी समूह के अंतर्गत आएंगे, और दूसरी तरफ के जो 20 बच्चे हैं वो भी समूह के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। और या फिर समुदाय भी हो सकता है इसमें, कोई भी समुदाय, जैसे कि पुलिस वाले हो गए, पुलिस की कोई टोली जा रही है, तो वो समुदाय के अंतर्गत आ गया, ठीक है ना, तो वो समुदाय वाचक संज्ञा कहलाएगा। समूह और समुदाय वाचक संज्ञा जिसमें बहुत सारे लोग हो, बहुत सारी कोई चीज हो, तो वह समूह वाचक या समुदाय वाचक संज्ञा कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि कागजों का ढेर, बच्चों की टोली, है ना, पुलिस की सेना, ये सब चीजें। फिर है भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट हमारा आता है भाववाचक संज्ञा, नाम से स्पष्ट है, ठीक है। जो शब्द किसी के गुण, दोष, दशा, स्वभाव, भाव को प्रकट करे, वह भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। किसी के भी गुण, जैसे कि अगर हम कहेंगे कि वह बहुत सुंदर है, ठीक है ना, किसी के लिए भी कहेंगे हम, मान लो हम कह रहे हैं सीमा बहुत सुंदर है, तो ये जो सुंदर है ना, ये क्या है, सीमा का गुण है, ठीक है, ये भाव हो गया। फिर किसी के दोष आ गए, जिसमें अगर किसी में कोई गंदा इंसान है या किसी की भी कोई बुराई है, तो दोष के अंतर्गत आ जाएगा। दशा आ गई, जैसे कि दशा में कोई बूढ़ा है, कोई जवान है, जो भी उसकी स्थिति है, वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। फिर स्वभाव आ गया और भाव आ गया। अगर हम कहें भाव में भी जिस चीज को हम महसूस करते हैं, जैसे कि दही खट्टा है, है ना, तो हमने क्या भाव महसूस किया, खट्टापन महसूस किया, तो ये भी किसके अंतर्गत आएगा, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जैसे कि देखो आपकी बुक में भी दिया हुआ है, बचपन सबसे अच्छा समय है, तो बचपन क्या है, दशा है, दशा के अंतर्गत आ रही है, तो ये भाववाचक संज्ञा हो गई, ठीक है। दही में खटास है, ठीक है ना, खटास भी भाववाचक हो गई। अच्छाई ही काम आती है, ठीक है, तो इसमें खटास, बचपन, अच्छाई, ये मन के, इनसे क्या होता है, मन के भावों का पता चलता है, इसलिए ये शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाएंगे, ठीक है। तो बेटा 2 हमने कल पढ़ लिए थे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, और बाकी के रिमेनिंग 3 द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक, ये हमने आज पढ़े हैं। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आ गए होंगे। कल
जो वर्क है वो आपको अपनी बुक में ही करना है। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। पांच दिए थे इसके। ठीक है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक हमने कल पढ़ लिया था। ठीक है, व्यक्तिवाचक मतलब किसी पर्टिकुलर एक ही व्यक्ति के बारे में जब बात की जाए, किसी एक ही चीज के बारे में, तो वो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा। और जातिवाचक पूरी जाति के बारे में बात की जाए, जैसे कि घोड़ा घास खाता है तो सिर्फ एक घोड़ा नहीं खाता है, सभी घोड़े घास खाते हैं, वो जातिवाचक के अंतर्गत आएगा। आज हमने पढ़ा द्रव्यवाचक, जो शब्द किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध कराते हैं, ये द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। और समूहवाचक, जो शब्द समूह या समुदाय को प्रकट करते हैं। ठीक है, जैसे कि क्लास के बच्चों का मैंने आपको उदाहरण दिया है। भाववाचक संज्ञा में जो शब्द किसी के गुण, दोष, दशा, स्वभाव, भाव, ये सब चीजें प्रकट करते हैं, वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, समझ में आ गया? फिर भी आप अपनी बुक की ये जितनी भी परिभाषाएं हैं, इसे एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा। ठीक है।